राजपूताना एम्पोरियम हमारे यहाँ आपको मिलेगी जयपुरी आइटम, साड़ियाँ, लहंगा, चुनरी, सलवार सूट आदि की आकर्षक श्रृंखला। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है कैंट शॉपिंग मॉल, एडिडास शोरूम के बाजू में, सिविल लाइन, सागर। सीसीटीवी कैमरे से जारी इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में दो साथी चोरों की हम आपको हरकत दिखा रहे हैं, तो आप दांतों तले अंगुलियां दबा लेंगे। तस्वीरें देखें कैसे एक शख्स एक बाइक में लगे बैग की चेन खोलता है और दूर खड़ा हो जाता है। फिर एक शख्स बैंक से बाहर निकलता है और बाइक स्टार्ट करने लगता है और वहां से रवाना हो जाता है। चंद सेकंड में एक दौड़ता हुआ शख्स हाथों की ऐसी सफाई करता है, बाइक की डिग्गी में रखे 50,000 रुपए गायब हो जाते हैं। यह तस्वीर मध्य प्रदेश के सागर जिले के राहतगढ़ इलाके से, जो बाइक चला रहा है उसी बाइक से 50,000 रुपए गायब हो गए। इस शख्स का नाम रिंकू है, जो स्टेट बैंक में पैसे जमा करने आया था। बैंक में भीड़ थी, इस वजह से उसने पैसे जमा नहीं किए और पैसे डिग्गी में वापिस रख लिए। लेकिन सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों को आप पहले ही देख चुके हैं कि दो साथी चोरों ने उस वक्त बैग की साइड चेन को खोल दिया था जब रिंकू पैसे जमा करने बैंक गया था। बैंक पैसे जमा करने आए थे, भीड़ दिख के थोड़ी रुके वहां से वापस चले गए। किसी ने मेरा फॉलो अप करके, और साथ में दो लड़के हैं, तो हमें ऐसा अनुभव हुआ। वो आगे जान के देखा तो मतलब बैग से 50,000 रुपए चलती गाड़ी में से निकाल ली। जे चौकी के बाजू गणेश मंदिर के पास जी, हम SBI लाइफ इंश्योरेंस का काम करते हैं, कलेक्शन का काम करते हैं। पैसे कहाँ के थे? वो खाते के थे, ट्रांसफर करना था। जब वह वापस आया तो उसने डिग्गी में पैसे रख लिए और चलने लगा। तभी गणेश मंदिर के पास इस अज्ञात चोर ने एक सेकंड में 50,000 रुपए डिग्गी से दौड़ते हुए पार कर लिए, वो भी फिल्मी स्टाइल में। फिल्मी स्टाइल की चोरी की यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस अब इन चोरों की तलाश में जुट गई है। जी हाँ, ये राहतगढ़ के अंतिम अग्रवाल हैं। आज ये बैंक में पैसे वगैरह जमा करने गए थे, शायद किसी कारणवश पैसे जमा नहीं हुए थे, तो इन्होंने 50,000 रुपए अपने मोटरसाइकिल की डिग्गी में रख लिए थे। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इनकी डिग्गी से 50,000 रुपए निकाल लिए गए थे। इन्होंने थाने में आकर रिपोर्ट की, जो मुकदमा कायम कर लिया गया है। कुछ CCTV फुटेज भी हमें बैंक से और अन्य जगह से प्राप्त हुए हैं, उस फुटेज के आधार पर हम संबंधित आरोपी की तलाश कर रहे हैं। लेकिन हम कहेंगे कोरोना काल के बाद लॉकडाउन जब खत्म हुआ तो बुंदेलखंड में मुफलिसी का दौर था। भुखमरी की इस लाचारी में चोरी और बदमाशी की घटनाएं बढ़ी। पुलिस लाख इंतजाम कर ले, लेकिन चोरों की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में हर दिन हर रात चोरी हो रही है। एक बार फिर सात चोरों ने रेकी कर इस घटना को अंजाम दिया है। यह दोनों चोर फरियादी रिंकू के घर से उसका पीछा कर उसकी रेकी कर रहे थे। उन्हें मालूम था कि वह पैसा जमा करेगा या निकालेगा। बस चोरों ने रेकी कर इस घटना को अंजाम दिया और एक नौजवान के पैसे पार कर लिए, वो भी फिल्मी स्टाइल में। इमरान कुरैशी, सागर एक्सप्रेस न्यूज, राहतगढ़।